नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, फिरोजाबाद। मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ से कार्यक्रम का शुभारंभ प्रियंका गांधी ने किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले करीब 40 फुट लंबे पंडाल के मंच पर घूम घूम कर आई हुई महिलाओं एवं अन्य लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद आई हुई महिलाओं में से कुछ महिलाओं युवतियों को मंच पर बुलाया गया तथा उनसे बोलने को कहा गया। रीना कुशवाहा फिरोजाबाद ने अधिवक्ताओं की बात रखी। अधिवक्ताओं को कोर्ट के बाहर बम गोली से मारने की घटनाएं हो रही हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। शिवानी शिकोहाबाद ने भी बात रखी। छात्र आकांक्षा ने सवाल पूछा कि लड़की हूँ और खेलने के लिए बाहर जाने नहीं दिया जाता है, इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। आंगनवाड़ी से नीतू ने कहा कि उनको प्रदेश सरकार के द्वारा मानदेय देने की बात कही गई थी, लेकिन समुचित मानदेय नहीं दिए जा रहे हैं। इस पर पीएम का प्रियंका गांधी ने महिलाओं के समक्ष कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को उनकी सरकार आने पर 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। वहीं महिलाओं ने अपने सम्मान दिए जाने की भी बात कही। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं ने बहुत सह लिया है, बहुत चुप रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। महिलाओं को अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम देश की आधी आबादी है, फिर भी हमें राजनीति में कोई क्यों गंभीरता से नहीं ले रहा है। अगर महिलाएं एक होकर के वोट करेंगी तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अब महिलाओं को नकार नहीं सकते। तमाम महिलाएं संघर्ष कर रही हैं। चुनाव के समय ही महिलाओं को सरकार क्यों याद करती है तथा 5 साल तक वह किसी की समस्या नहीं सुनती है, चुनाव के बाद उन्हें भुला दिया जाता है। प्रियंका ने कहा कि महिला देश की सबसे बड़ी ताकत है। महिलाएं बहुत समझदार होती हैं, उन्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा बहुत बड़ी गंभीर पूरी तरीके से गंभीर है। जो भर्ती आरोपी है उनको वह पूरा कराएंगी तथा लाखों बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 40% महिलाओं को उनकी पार्टी टिकट देगी। महिलाओं की भागीदारी को नकारा नहीं जा सकता है। कांग्रेस महिलाओं की शक्ति को पूरा तरह से समझती है। देश प्रदेश की राजनीति को महिलाएं बदल सकती है। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। उठानी पड़ेगी जिससे किसान खड़ा हो पाए। पहले तो खड़ा होगा अपने पैरों पे। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो तमाम ऐसे किसान हैं जो इसी तरह से आत्महत्या करेंगे। इतनी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इतने बड़े बड़े कर्ज हैं उनके साथ में, खाद नहीं मिलती, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, उनकी इतनी समस्या है कि अगर सरकार की तरफ से थोड़ा समर्थन नहीं मिलेगा तो उन समस्याओं से निकल नहीं पाएंगे। तो ये जो कर्ज माफ करने वाला है ये उन समस्याओं से निकालने के लिए, एक बार उस समस्या से निकल के फिर जो सुविधाएं हैं जो सरकार कर सकती है उनकी और समर्थन करने के लिए ताकि वो खड़े रहे। बोलो मैम, जो महिलाएं आपने ये बोला है कि पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए स्कूटी और स्मार्टफोन दोगी, लेकिन जो गांव में जो महिलाएं रहती हैं उनके पास साधन नहीं होते हैं, वो कुछ काम करना चाहती हैं और जिससे उनका घर निवार उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सही हो सके, उन अनपढ़ महिलाओं के लिए, उन गाँव वाली महिलाओं के लिए आप क्या करोगे, मुझे ये जानना था। उनके लिए महिला की सुरक्षा के लिए, महिला की सेहत के लिए, जैसे मैंने कहा कि हर PHC में हम चाहते हैं कि अलग महिलाओं की सेहत के लिए एक सेक्शन हो जिसमें महिला डॉक्टर वो सब करे। ठीक है, लोग खुश हो। सर, आज कार्यक्रम है प्रियंका जी का, किस तरीके का कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? देखिए, सैलाब जो है वो बदलाव का संकेत है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनादार बचाने के लिए प्रयास कर रही है। आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी ने जो प्रतिज्ञाएं ली है, जो संकल्प है, जो हमारा महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसी के कार्यक्रम में तहत सिरसागंज में आज संवाद है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी कुछ क्षणों में पहुंचने वाली हैं। लगातार 5 साल में अब तो सरकार की चली चला की बेला है। देश के प्रधानमंत्री को दूरबीन से अपराध नज़र नहीं आता क्या? NCRB के आंकड़े झूठे हैं? आज महंगाई पर चर्चा नहीं करेंगे, महिला के उत्पीड़न पर चर्चा नहीं करेंगे,
और सबसे बड़ी बात है कि जो किसानों की शहादत हो गई, जिनकी जान चली गई, 700 किसानों की जान का जिम्मेदार कौन है, ये देश के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता है। उत्तर प्रदेश में विकास बताना पड़ता है प्रधानमंत्री को आकर, बताना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार ने अपनी हार कबूल कर ली है। ये जन सैलाब परिवर्तन का संकेत है और कांग्रेस ही विकल्प है। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि योगी सरकार का 2022 में पतन निश्चित है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। कई सालों से कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर है और इस समय जिस तरह से बीजेपी अपने आप को शो ऑफ कर रही है, किस तरीके आप जो है इसमें इनके साथ लड़ाई कर रहे हैं? मैंने कहा ना, गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका है। कभी काले धन की बात करते थे, कभी अच्छे दिन की बात करते थे, कभी बेरोजगारी की बात करते थे, आज उनके मुंह में दही जम गया है। ये सवाल कर रही हैं महिलाएं, बोले भाइयों बहनों कहाँ गया गैस का सिलेंडर? आज बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं? आदरणीय योगी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सारे सवाल हैं, ये नारी पूछ रही है, तो हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की नारी पूछ रही है। हजारों की तादाद में हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं। ये वही राज्य है जहां एक दलित की बेटी को 12 बजे टायरों के बीच में जला दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश है। योगी तो संत हैं और संत कभी झूठ नहीं बोलता है। आज जवाब देंगे कि रात के 12 बजे उस बेटी को क्यों जला दिया गया? अगर प्रियंका ना होती तो हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिलता, अगर प्रियंका ना होती तो की बेटी को न्याय नहीं मिलता, प्रियंका ना होती तो शाहजहानपुर जैसे लोग, जैसे चिन्मयानंद जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में पनपे, उनको शायद अपराध बोध ना होता। यही कारण लगातार प्रियंका गांधी किसानों की आवाज़ बनी है, महिलाओं की आवाज़ बनी है, दलितों की आवाज़ बनी है और पिछड़ों की आवाज़ बनी है। हम जनता के बीच में लगातार काम कर रहे हैं और पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमें अपना आशीर्वाद देने जा रही है, ऐसा मैं मानता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज फरकाबाद में मालेगांव की घटना पर कहा है कि कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए। सड़क से लेकर जेल तक हत्याएं हो रही हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? एटा में व्यापारी की हत्या हो गई है, कल जेल में हत्याएं हो जाती हैं। मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, एक हमारी माता जी कह रही है, देखिए।